मांक साम्राज्य रे पुओंक भाग्य निर्धारण सोनिया गांधी आसन रे छिड़ा हेले राहुल उत्तर प्रदेश रायबरेली आसन पई भरिले नामांकन अमेठी छाड़ी रायबरेली आसीबा को मोदी समालोचना कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश रायबरेली लोकसभा निर्वाचन मंडली नामांकन पत्र दाखल कर दीर्घ वर्ष धरी सोनिया गांधी एही आसन प्रतिनिधित्व करी आसुथिले तबे स्वास्थ्यगत समस्या एथर साधारण निर्वाचन रे से प्रार्थी होइनाहती ता बदल रे से राजस्थान रु राज्यसभा को मनोनीत होइछंती सेपटे गांधी परिवार रो पारंपरिक आसन होइथिबारु राहुल को रायबरेली रु प्रार्थी करथिला दल तबे किछि मास पूर्वरु चर्चा हेउथिला प्रियंका गांधी एठारु प्रार्थी हेबे ओ सोनिया को ज्वाई रॉबर्ट भद्रा अमेठी रु निर्वाचन लडिबे हेले प्रियंका ओ रॉबर्ट भद्रा निर्वाचन रे प्रार्थी हेबा को मना करिबारु राहुल गांधी को दल रायबरेली रु प्रार्थी करथिला यहाँ परे जिला मजिस्ट्रेट को कार्यालय रे पहुंची राहुल तांकर नामांकन पत्र दाखल कर टिकट को लेके किसी प्रकार की कोई उठापटक नहीं थी। एक रणनीति के तहत यहाँ की घोषणा रोकी गई थी, आज सुबह ये घोषणा कर दी गई है और रायबरेली और अमेठी दोनों गांधी परिवार के लिए बराबरी का है। माननीय जहाँ राहुल गांधी जी अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं पे अमेठी से परिवार के ही सदस्य के रूप में एक कर्मठ कार्यकर्ता और एक अच्छे संगठक के रूप में केएल शर्मा जी जिन्होंने 20 वर्षों तक यहाँ पे कार्यकर्ताओं के संगठन की सेवा की है उन्हें मौका दिया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे। रायबरेली को सबुबले कांग्रेस पाई निरापद सीट हो रही आसी दल एठारे 20 निर्वाचन लड़ता बेले 17 विजयी होती हेले रायबरेली नारे आउ एक कथा रही पदरे थाई एठारु निर्वाचन लड़ी प्रधानमंत्री पराजय स्वीकार करिछंती। 1977 निर्वाचन रे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पदरे थाई पराजित होइथिले तबे सारा देश रे बीजेपी रो हावा थिबा बेले 2014 ओ 2019 निर्वाचन रे सोनिया गांधी विजय लाभ करिथिले। सेहिपरि राहुल गांधी को आसन अमेठीरु किशोरीलाल शर्मा को दल छिड़ा करिछि प्रार्थी भाबरे घोषणा परे कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद देइछंती किशोरीलाल। सेहिपरि कांग्रेस रु जिए भी प्रार्थी होई आसिबो आमे स्वागत करिबो बोली कहिछंती अमेठी रो बीजेपी प्रार्थीनी तथा केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी। नहीं ये तो मैं खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का से हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ मेहनत करूँ। मैं यहाँ 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। 1983 में यहाँ आया था एज ए यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं राजीव जी के साथ अपना कैरियर शुरू किया था। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूँ कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ते। सेपटे राहुल गांधी को ना रायबरेली पई घोषणा हेबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटाक्ष करिछंती। पश्चिमबंग एक निर्वाचनी सभा में जोगदे मोदी कहते जे कांग्रेस बड़ नेता हिम्मत नहीं आ निर्वाचन लड़ा को जड़े वरिष्ठ नेता लोकसभा छाड़ी राजस्थान रु राज्यसभा सदस्य हो संसद को आसीपरि कांग्रेस राजकुमार वायनाड में परास्त होबार भय रायबरेली रु प्रार्थी होती बोली मोदी कहते। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे।
लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। अन्य पक्षरे प्रधानमंत्री को एभली मंतव्य को समालोचना करिछंती शिवसेना उद्धव गोष्ठीर नेता संजय रावत। राहुल डरीबार नेता नुहंती, इंडिया मेंटो पक्षरु तांकु समस्ते कहिबारु से रायबरेली रु प्रार्थी होइछंती बोली से कहिछंती। राहुल गांधी डरने वाला आदमी नहीं है। राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं, वायनाड से जीतते हैं, लेकिन हम सबकी इच्छा आग्रह रहा कि गांधी परिवार से कोई ना कोई उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो। सोनिया जी ने राहुल जी को जो सूचना की है कि आपको लड़ना है रायबरेली से, उसका हम स्वागत करते हैं। रायबरेली ये इंदिरा गांधी जी के ज़माने से पूरा नेहरू परिवार रायबरेली से लड़ता आया है, एक परंपरा है रायबरेली की। अमेठी तो आप कोई भी जीत जाएगा। केएल शर्मा जी है, ये केएल शर्मा जी ये गांधी परिवार के एक सदस्य है। इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही है, केएल शर्मा जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।